नमस्कार, लोकल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला दर्ज, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। नगर थाना क्षेत्र के न्यू एरिया मोहल्ले में एक नाबालिग के साथ गैंग रेप घटना से जहां मोहल्ले वासियों में आक्रोश है, वहीं पीड़िता के पिता के आवेदन पर महिला थाना में गैंग रेप की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस पीड़िता का मेडिकल जाँच करा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। घटना के बारे में स्टेशन रोड शांति नगर निवासी पीड़िता के पिता ने कहा है कि बीते देर शाम उसकी दो नाबालिग पुत्री एक साथ किराना दुकान पर सामान खरीदने गई थी कि न्यू एरिया भयंकर मोड़ के समीप 3 की संख्या में युवकों ने दोनों बहनों को किसी सुनसानुमा कमरे में ले गए, जिसमें एक बहन का मुंह बांध दिया और दूसरी बहन के साथ गैंग रेप किया। साथ ही यह धमकी भी दिया कि यदि किसी को जानकारी दी तो अंजाम बुरा होगा। पीड़िता के अनुसार तीनों का नाम राजा कुमार, विक्की कुमार तथा साहिल बताए जाते हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला थाना ने पीड़िता का मेडिकल जांच कराया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकाने पर छापेमारी शुरू कर दी है। महिला थानाध्यक्ष अनंता कुमारी ने कहा कि नाबालिग बच्चे के पिता के बयान पर दुष्कर्म के प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें लोकल न्यूज 24 के साथ। कोई है वहाँ पर, कोई नहीं था। अब हम लोग घुस गए, हम लोग हमको बंद कर दिया सुनसान जगह। मेरी बहन को कितना लोग था? 3 लोग था। पहचानती हो सबको? पहचानते हैं। नाम नाम एक होगा, नहीं पता है। पता है एक होगा